बैंकिंग सेक्टर्स की फील्ड में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ, आईडीबीआई बैंक ने एक मेगा वैकेंसीज निकाली है जिसमें है 130 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। आइए हम बात करेंगे इस 130 से ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में, डिटेल वाइज जानेंगे क्या है पोस्ट, क्या है पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या है अप्लाई करने का प्रोसीजर, और देखते हैं बाकी की डिटेल्स। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आईडीबीआई बैंक ने इनवाइट किया एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स, यानी कि इंडियन कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट अप्लाई होंगी। सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नेम है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये वेरियस पोस्ट कोड्स पे हैं, इनके बारे में हम नीचे डिटेल वाइज जानेंगे किस वेरियस पोस्ट कोड में है, क्या क्या मैनेजर्स की अलॉटमेंट की जाएंगी। देखिए बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, इसमें 136 वैकेंसीज टोटल दोस्तों टोटल ओपन है आपको, यानी कि टोटल 136 वैकेंसीज इस पोस्ट में अवेलेबल है। यानी कि मिनिमम एज ऑफ रिक्वायरमेंट्स है 25 ईयर्स और मैक्सिमम की बात करें तो 45 ईयर्स। इनके जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा वो होगा एक साल का, यानी कि एक साल के लिए कैंडिडेट साइड किए जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन मंथली सैलरी रेंज बिटवीन 98,000 पर मंथ से लेकर 1,55,000 तक का, यानी कि 1.5 लाख का सालाना इनको, 1.5 लाख का मंथली इनको पे आउट होगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, देखिए 1,000 रुपीज़ एज एन एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना होगा। ठीक है, देखिए उस आगे बढ़ जानते हैं डिटेल वाइज क्या है पोस्ट की रिक्वायरमेंट। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1/6/2023 से स्टार्ट होगी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/6/2023 से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आप ज़रूर रिमाइंड करके रखें। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं, आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट नेम और वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, एज डिटेल वाइज, एज लिमिट के बारे में जानेंगे डिटेल वाइज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जानेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस, इंपॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई करने का प्रोसीजर जानेंगे। दोस्तों जैसा देख रहे हैं पोस्ट नेम्स, ये पोस्ट नेम देख सकते हैं पोस्ट कोड्स विद एरियाज में, देखिए ऑडिट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के लिए है टोटल 6 वैकेंसीज, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में है 2 वैकेंसी, रिस्क मैनेजमेंट में है 24, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में है 9, प्रेजर में है 5, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट प्रमिसेस में है 5, सिक्योरिटी और में है 8, लीगल में है 12, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है 5, कॉर्पोरेट क्रेडिट में है 130 वैकेंसी दोस्तों अवेलेबल है। डिटेल्स और रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स वाइज देख सकते हैं कि आपकी रिजर्वेशन में कितनी वैकेंसीज अलॉट की गई हैं। ये आर्टिकल दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं, लिंक इसका ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करें अब क्वालिफिकेशन के बारे में, देखिए पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी के लिए है मिनिमम 35 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स है, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर कैडर के लिए मिनिमम 28 ईयर्स और मैक्सिमम है 40 ईयर्स, मैनेजर ग्रेड बी के लिए है मिनिमम 25 मैक्सिमम 35। ठीक है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, देखिए बीएससी बीटेक विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होने चाहिए। इनके पास ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए, ग्रेजुएट्स होने चाहिए अपने अपने सिस्टम सर्टिफाइड सिस्टम से। आप देख सकते हैं डिजिटल बैंकिंग और यहाँ पे बीसीएस के कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, विच विल बी फॉर विच 4 ईयर्स वुड बी रेलिवेंट रोल और एज मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। इनके बारे में हम नीचे डिटेल वाइज, इनके बारे में हम नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स इकोनॉमिस्ट के लिए चाहिए होंगे इन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। ऐसे ही डिटेल वाइज हर पोस्ट के लिए आप यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए जो आपको मंथली सैलरी पे आउट होगा वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर ग्रेड डी के लिए मिनिमम होगा आपका 76,010 से लेकर मैक्सिमम होगा आपका 89,890 रुपीज़। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी के लिए जो होगा मिनिमम पे आउट होगा 63,840 से लेकर मैक्सिमम होगा 78,230 का। ठीक है, मैनेजर ग्रेड बी के लिए है 48,170 से लेकर 69,810 रुपीज़ का। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको बताऊँ तो एप्लीकेशन फ़ीस एज एन 1,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 1 तारीख से, लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की June 15, यानी कि सिर्फ 15 दिन के लिए ओपनिंग की जाएंगी। अप्लाई करने का प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों, अप्लाई करने का प्रोसीजर सिंपल है, आपको अप्लाई करना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के
ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको इस पोस्ट में अप्लाई करना होगा। और क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की, वो होगी 15/6/2023। आप ये अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। आइए दोस्तों एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये IDBI बैंक का 33 पेज का इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप ये नोटिफिकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in के थ्रू आर्टिकल से ले सकते हैं। डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन हमने अपने आर्टिकल के थ्रू आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी गई है, ठीक है। तो ये टोटल 33 पेज का है, इसमें डिटेल वाइज सारी चीज़ें मेंशन है जो कि हमने आपको अपने आर्टिकल के थ्रू भी प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिससे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपना यहाँ पे नेम फिलअप करना होगा, इनकम असेट सर्टिफिकेट है ये 33 पेज से ये, और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कैसे साइज़ होनी चाहिए फोटोग्राफ की, 4.5 cm से लेकर 3.5 cm यानी कि सेंटीमीटर, ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कराने होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें फॉलो करें गूगल न्यूज़ पे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू।